तो दोस्तों, अगर आप एल टी टेट की तैयारी कर रहे हैं और एल टी टेट के महत्वपूर्ण नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी के प्रारंभिक युग को आदिकाल नाम किसने दिया था? तो आपके इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो सही विकल्प होगा उसका आपने चयन करना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हिंदी के प्रारंभिक युग को सबसे पहले आदिकाल नाम दिया गया था। इसका ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, दो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? तो जो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया गया था उसके भी आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प का चयन करना है। तो कुछ समय सोचने के लिए दूंगा आपको, तो आप सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर भी सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया गया था। इसी के साथ आपने ध्यान रखना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने आदिकाल में 12 कवियों को लिया था, इसी के आधार पर इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था, क्योंकि अधिकतर कवि वीर रचनाएँ करने वाले थे। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने के लिए आपको 8219312129 पे व्हाट्सएप करना है। आपके जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी का आपको उत्तर दे दिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मीरा के गुरु कौन थे? तो जो मीरा थी भक्ति काल की प्रमुख कवित्री आप इन्हें कह सकते हैं, इनके गुरु के बारे में पूछा गया है। तो इनके जो गुरु हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे संत शिरोमणि रविदास, डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो कई कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी कवियत्री भक्ति काल की ऐसी थी जिनका वार्तालाप तुलसीदास जी के साथ हुआ था? तो वो मीराबाई ही थी, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 4 पद्मावत किसकी रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो जो पद्मावत हो जाएगा ये हो जाएगा आपके जायसी की कृति, और जो जायसी है ये भी भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, प्रेमाख्यानक भक्ति काव्य के अंतर्गत। इसी के साथ कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो पद्मावत है इसकी भाषा कौन सी है? तो ये अवधि भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखिए, मधुमालती के रचनाकार कौन होंगे? तो जो मधुमालती के रचनाकार होंगे तो सही विकल्प बताइए, तो ये हो जाएंगे मंजन, बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। जो मंजन है ये भी प्रेमाख्यानक कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, 6 भक्ति काल के लेखक कौन हैं? भक्ति काल के नहीं, भ्रमर गीत के, भ्रमर गीत जो रचना है इसके लेखक कौन होंगे उसके बारे में बताना है। तो ये हो जाएंगे नंददास, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 7, तो इसमें क्या पूछा गया है, सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो विकल्प में है ज्ञान मार्गीय, पुष्टि मार्गीय, प्रेम मार्गीय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 7वें का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा बी, पुष्टि मार्गीय। इसी के साथ इनकी भक्ति को कहा जाता है सख्य भाव की भक्ति, और जो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का बचपन के रूप को उजागर किया है तो इसके लिए भी इन्हें कहा जाता है वात्सल्य सम्राट, ठीक है? और कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो सूरदास थे इनके गुरु का क्या नाम था, तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं, सूरदास जी के गुरु का नाम आप बताइए। अगला प्रश्न देखिए, 8 प्रेम वाटिका किसकी रचना है? विकल्प में है रस खान, चिंतामणि, मतीराम या कुलपति मिश्र। तो जो प्रेम वाटिका हो जाएगी ये रस खान जी की रचना हो जाएगी, विकल्प ए। अगला प्रश्न, घनानंद किस धारा के कवि हैं? रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो जो घनानंद हो जाएंगे ये रीतिमुक्त के अंतर्गत आने वाले कवि थे। आपको तो पता ही होगा जो रीतिकाल है ये 3 भागों में विभाजित था,
रीतिसिद्ध, रीतिवध और रीतिमुक्त। जो रीतिमुक्त है ये सभी प्रकार के बंधन से मुक्त था और ये अपनी स्वच्छंदता के आधार पर रचनाओं को करते थे। अगला प्रश्न है 10, रामकृष्ण क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो जो रामकृष्ण मिशन था इसकी स्थापना की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा, विवेकानंद के द्वारा, केशवचंद्र सेन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। जो विवेकानंद है इनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण, तो उन्हीं के नाम के लिए इन्होंने आधार माना और इस जो मिशन का नाम रखा रामकृष्ण मिशन। अगला प्रश्न है 11, भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कौन सी है? कभी वचन सुधा, योजना, पल प्रतिपल या इनमें से कोई नहीं। तो जो कवि वचन सुधा है ये भारतेंदु जी की संपादित मासिक पत्रिका मानी जाती है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 12, भाग्यवती उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प में है श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या श्रद्धाराम फिलौरी। तो जो भाग्यवती उपन्यास है इसके रचनाकार हो जाएंगे विकल्प डी, श्रद्धाराम फुलौरी। जो श्रद्धाराम फुलौरी है इनका संबंध पंजाब से है। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो ओम जय जगदीश हरे नामक आरती है इसके रचयिता कौन थे, तो ये श्रद्धाराम फिलौरी ही माने जाते हैं, ठीक है। इसके पश्चात जो भाग्यवती उपन्यास है इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं कई विद्वान, ठीक है। विजय शंकर मल हैं इनके द्वारा इन्हें इस उपन्यास को प्रथम उपन्यास माना गया है। इसके पश्चात जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनके द्वारा किसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है, तो आप इसे कमेंट में अवश्य बताना। अगला प्रश्न देखिए 13, भारत भारती खंडकाव्य के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है प्रसाद, गुप्त, पंत या निराला। तो जो भारत भारती खंडकाव्य है इसके रचयिता हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, और जो मैथिली शरण गुप्त है इनका समय है द्विवेदी युग से। और जो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष पूछा जाए 1912 इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा या रामचंद्र शुक्ल। तो जो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन हैं? यशपाल, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या किशोरीलाल गोस्वामी। तो उसने कहा था कहानी के रचनाकार हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जो उसने कहा कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष है 1915, और ये जो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। जो लहना सिंह है ये इस कहानी का प्रमुख पात्र है। अगला प्रश्न है 16, झांसी की रानी किसकी लिखी कविता है? महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद। तो जो ये रचना हो जाएगी या कविता हो जाएगी ये हो जाएगी सुभद्रा कुमारी चौहान की। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी इनके द्वारा अधिकतर वीर रस की कविताएं लिखी गई हैं या आपको मोटिवेट या प्रेरित करने वाली कविताएं लिखी गई हैं, इसका भी ध्यान रखना है। और जो महादेवी वर्मा है ये रहस्यात्मक कविताएं लिखती हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कैसी कविताएं लिख जाते हैं। अगला प्रश्न है 17, जयशंकर प्रसाद का जन्म कौन से घराने में हुआ था? सुंगनी साहू, ये संघानी साहू, सुंगनी साहू, संथाल घराना या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही विकल्प हो जाएगा, जो जयशंकर प्रसाद थे इनका जन्म सुंगनी साहू परिवार में या खानदान में हुआ था। और इनका कई बार प्रश्न पूछा जाता है इनका जन्म कब का है, 1889 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। अगला प्रश्न है 18, कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन हैं? प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा।
तो जो कुकुर मुता रचना हो जाएगी ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी। आपको ध्यान में रखना है कुकुर मुता एक प्रकार का जंगली पौधा होता है, ये मशरूम टाइप का होता है कुकुर मुता। अगला है 19, मधुशाला किसकी रचना है, प्रेमचंद, प्रसाद पंत या हरिवंश राय बच्चन। तो जो मधुशाला रचना हो जाएगी हरिवंश राय बच्चन जी की हो जाएगी, डी सही विकल्प हो जाएगा। इसी के साथ ध्यान में रखना है कि मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश ये तीनों इन्हीं की रचना है, और जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है इसके रचनाकार भी हरिवंश राय बच्चन ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 20, गोदान उपन्यास के उपन्यासकार कौन होंगे, महत्वपूर्ण उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास या इनमें से कोई नहीं। तो जो गोदान उपन्यास के उपन्यासकार हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे, और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1936 है, कई बार ये भी पूछा जाता है, और होरी गोबर इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है 21, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन थे, निराला, मुक्तिबोध, पंत या दुष्यंत कुमार। तो जो रचना है चांद का मुंह टेढ़ा इसके रचनाकार हो जाएंगे मुक्तिबोध। इसी के साथ इनकी एक प्रमुख कविता है अंधेरे में, बहुत ही महत्वपूर्ण और लंबी कविता इनके द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है 22, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं। तो जो तोड़ती पत्थर कविता हो जाएगी इसके रचनाकार का नाम बताइए, प्रसाद पंत, निराला या महादेवी वर्मा। तो इसके जो कवि हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है यहाँ पर 23, फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी श्रेणी में आते हैं, राष्ट्रीय उपन्यासकार के तौर पर जाने जाते हैं, प्रादेशिक उपन्यासकार, आंचलिक उपन्यासकार या इनमें से कोई नहीं। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं ये आंचलिक उपन्यासकार के तौर पर जाने जाते हैं। इनका जो उपन्यास है मेला आंचल ये प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। डॉक्टर प्रशांत इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है 24, धर्मवीर भारती कौन सी पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो जो धर्मवीर भारती थे ये रहे थे आपके धर्मयुग, सरस्वती, कवि वचन सुधा या सरिता। तो जो धर्मवीर भारती थे ये आपके धर्मयुग नामक पत्रिका के संपादक रहे हैं। इसी के पश्चात यहाँ पर जो सरस्वती पत्रिका है इसके जो प्रमुख संपादकों में रहे हैं तो वह महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। इन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक इस पत्रिका का संपादन किया था और खड़ी बोली हिंदी के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आपके लिए यहाँ से एक प्रश्न और छोड़ देता हूँ, जो कवि वचन सुधा है इसका प्रकाशन वर्ष बताना है और इसके संपादक का नाम भी आपने बताना है कि कौन है। अगला प्रश्न देखिए 25, इनमें से उपन्यास सम्राट कौन माने जाते हैं, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु, हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद। तो जो उपन्यास सम्राट माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद, भी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो मुंशी प्रेमचंद जी के आपने कम से कम 3 उपन्यास बताने हैं विद डेट, डेट भी बतानी है और उपन्यास के नाम भी बताने हैं कौन कौन से हैं। आगे देखिए 26, अधोलिखित में से नाटक सम्राट किसे माना जाता है, सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न, प्रसाद, देवकी नंदन खत्री, गोपालदास गहमरी या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। जैसे उपन्यास का सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है, कहानी का सम्राट मुंशी प्रेमचंद को ही कहा जाता है, और नाटक का सम्राट प्रसाद जी को कहा जाता है। जो कामायनी है इनकी प्रसिद्ध कृति है जयशंकर प्रसाद की, और इसमें सर्गों की संख्या कितनी है 15, और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1935। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 27, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा कौन सी है, अवधि, खड़ी बोली, जयपुरी, मध्य पहाड़ी। तो जो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा हो जाएगी तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, खड़ी बोली। अगला है 28, पूर्वी हिंदी की उपभाषा कौन सी है,
अवधि, बांगरू, मेवाती या कुमाऊनी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा अवधि। अगला है 29। निम्नलिखित में से कौन सा अंग व्याकरण का है? तो जो शब्द है ये व्याकरण का अंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो जो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा तो ये हो जाएगा डी, य, र, ल, ब, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, इसका भी ध्यान रखना है आपने। तो मधुबन तुम कत रहत करे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के काहे ना उकठी परे, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है सूरदास जी की। तो सूरदास जी का समय माना जाता है 1478। अगली पंक्ति है सिसोदियो रूढ़ियो महारो काई कर लेसी, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है मीराबाई की। तो जो मीराबाई का समय माना जाता है ये तो माना जाता है 1498 ईस्वी, और ये भक्ति काल की महत्वपूर्ण संत थी। अगला प्रश्न है 3। पंत जी की आभासित होने वाली सामाजिकता में उतनी सामाजिकता नहीं है जितनी निराला की आभासित होने वाली व्यक्तिकता में है। पंत जी के आशावाद में भी उतनी शक्ति नहीं है जितनी निराला के निराशावाद में है, प्रस्तुत आलोचनात्मक कथन किसका है? तो ये कथन है नामवर सिंह का। अगला कथन है कल्पना शब्द का जितना अधिक प्रयोग और उसकी जितनी लोकप्रियता डैश के द्वारा मिली उतनी पहले कभी ना मिली, रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा छायावाद। तो ये पूरी पंक्ति होगी इस प्रकार से, कल्पना शब्द का जितना अधिक प्रयोग और उसकी जितनी लोकप्रियता छायावाद के द्वारा मिली उतनी पहले कभी नहीं मिली। अगली पंक्ति है 5। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा में हो सकता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन होगा अज्ञेय जी का। तो अज्ञेय जी का जन्म माना जाता है 1911 में। आप इन तथ्यों को भी याद रख सकते हो। अगला कथन है 6। जिस तरह कल्पना प्रवण अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है और अंतर्मुखी बौद्धिक दृष्टि प्रयोगवाद की, उसी तरह सामाजिक यथार्थ दृष्टि प्रतिवाद की विशेषता है, ये कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है नामवर सिंह जी का। अगला कथन है 7। धर्म एक अफीम का नशा है और प्रारब्ध एक सुंदर प्रपंचना, ये कथन किसका है या किसका मत है? तो ये मत है मार्क्सवाद का। तो इस तरह से दर्शन के मत भी आपसे पूछे जाते हैं कि किस दर्शन का क्या मत है, तो आप इन तथ्यों को भी याद रख सकते हो। अगली पंक्ति है 8। राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला, पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन जी का इतिहास हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे भी याद रख सकते हो, ये इनका रचना है। और जो ये पंक्ति ली गई है ये ली गई है बच्चन जी के मधुशाला काव्य संग्रह से। तो ठीक है दोस्तों, आज फिलहाल इतनी ही पंक्तियाँ, जल्दी हम आपके समक्ष नई वीडियो लेंगे तो उसमें आपको अधिक पंक्तियाँ भी होंगी। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं, धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि अब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बच गया है, अर्थात जो आपकी एलटी टेट की परीक्षा है इसके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसी समय को ध्यान में रखकर आपके समक्ष लाया हूँ पिछले 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के महत्व के बारे में पता ही होगा, क्योंकि अगर जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते हो आपको एक आधार नहीं मिलता है कि आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है। अब देखिए, अगर आप एलटी टेट के सिलेबस को सर्च करोगे तो आपको पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा। तो अगर जब सिलेबस आपको पता नहीं होगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे? इसकी तैयारी करने के लिए एक ही माध्यम होता है कि आप प्रश्न पत्रों को देखिए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसी की तैयारी करते रहिए। अगर आपको लेवल पता चल जाएगा आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपके समक्ष इन प्रश्न पत्रों को लाया हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना है 8219312129। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, आपकी कोई भी क्वेरी होगी आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है, चाहे एलटी टेट की परीक्षा हो, एलटी कमीशन की परीक्षा हो, पीजीटी हिंदी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने ही वाले हैं।
ये जितने प्रश्न पत्र हैं ये एलटी टेट के हैं, एलटी कमीशन के हैं, पीजीटी हिंदी के हैं। इन तीनों के कम्बिनेशन यहाँ पर आपके समक्ष लाया हूँ, इसलिए आपके लिए ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, आप एक बार इन्हें देखिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए।